हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद आशीष सर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के बाद आप सभी लोग सीख पाएंगे और किसी को भी सिखा पाएंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर अर्थात कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। आज हम कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण का एक ऐसा फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जो फॉर्मूला आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, बट हर किताब के कार्बन के यौगिक का नाम आप लिख पाएंगे। और इस वीडियो के बाद आपको एकदम बेसिक से समझ में आ जाएगा कि नामकरण कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और तैयार हो जाइए नामकरण सीखने के लिए। शुरू करते हैं। देखिए, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण से पहले हम हमारे नामकरण को एक बार देखते हैं। हमारा नाम, जैसे मैं अपने नाम की बात करूं तो मेरा नाम है आशीष सिंह पंवार। तो मेरे नाम में तीन हिस्से हैं। ये है फर्स्ट नेम, ये है मिडिल नेम और ये है सरनेम। ये है फर्स्ट नेम, ये है मिडिल नेम, ये है सरनेम। तो हर किसी का नाम तीन हिस्सों में बटा होता है। पहले आता है उसका फर्स्ट नेम, फिर आता है उसका मिडिल नेम, फिर आता है उसका सर नेम, और आगे कुछ और भी आ सकता है, जैसे मिस्टर आ सकता है, श्री आ सकता है। इसको हम बोलते हैं आगे लगने वाला प्रीफिक्स, और इसको हम पूर्व लग्न भी बोल सकते हैं जो नाम के आगे लगता है। तो इस तरह से हमारा नाम, जैसे मैंने अपने नाम को चार हिस्सों में बांट दिया, एक पूर्व लग्न हो सकता है, उसके बाद फर्स्ट नेम हो सकता है, मिडिल नेम हो सकता है, सर नेम हो सकता है। ऐसे ही हमारे कार्बनिक यौगिकों का जो नाम है वो पांच हिस्सों में बटा होता है। जैसे हमारा नाम दो तीन हिस्सों में बटा हो सकता है, वैसे ही हमारे कार्बनिक यौगिकों का नाम पांच हिस्सों में बटा होता है। अब मैं आपको समझाता हूं वो पांच हिस्से कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला हिस्सा होता है प्राथमिक पूर्व लग्न, फिर आता है द्वितीयक पूर्व लग्न, फिर आता है कार्बन श्रृंखला, फिर आता है द्वितीयक अनुलग्न जो पीछे लगते हैं, फिर आता है प्राथमिक अनुलग्न। इस तरह से पांच हिस्सों में बटा होता है हमारे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। अब ये पांचों हिस्से जब मैं अभी आपको समझाऊंगा तो थोड़ा कम समझ में आएंगे, बट जैसे ही मैं एग्जाम्पल कराना शुरू कर दूंगा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बस मेरे साथ साथ इस वीडियो में बने रहिए, और ये ही वो फॉर्मूला है जो फॉर्मूला ऐसा है कि एक बार बस आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो दुनिया में किसी भी कार्बन के यौगिक का नाम आप आराम से लिख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बताना होता है प्रतिस्थापी के बारे में। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना होता है प्रतिस्थापी के बारे में। प्रतिस्थापी क्या होता है? देखिए, जैसे केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन, केवल कार्बन व हाइड्रोजन, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसा नाम में लिखा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, तो अगर केवल कार्बन और हाइड्रोजन है तो मित्रों उसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं किसी हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह फ्लोरीन लगा दूं, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक बंध बनाता है, फ्लोरीन भी एक बंध बनाता है, फ्लोरीन की जगह क्लोरीन लगा दूं, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा दूं, ब्रोमीन की जगह आयोडीन लगा दूं, तो ये जो आपको दिख रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह आ गए हैं। प्रतिस्थापित का मतलब इंग्लिश में होता है सब्स्टिट्यूशन। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में कोई टीचर एब्सेंट है तो उस टीचर की जगह अरेंजमेंट लगता है, मतलब उस टीचर को प्रतिस्थापित करके कोई उसकी जगह आता है क्लास में और आपको पढ़ाता है। टीम में मान लीजिए आपके पास 11 प्लेयर हैं, तो हम दो प्लेयर एक्स्ट्रा में लेके जाते हैं। वो एक्स्ट्रा प्लेयर इसलिए होते हैं कि कभी कोई
दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उसकी जगह उसको हम क्या कर सकें, प्रतिस्थापित कर सकें। तो बिल्कुल वैसे ही हाइड्रोकार्बन में, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, उनके अंदर अगर एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह कोई और आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी बोलते हैं। बेसिक प्रतिस्थापी चार बताए मैंने आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आगे और आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको फ्लोरीन नाम का बंदा दिखे तो आपको फ्लोरो लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? फ्लोरो। सीएल दिखे तो आपको क्लोरो लिखना है। बीआर दिखे तो आप ब्रोमो लिखेंगे और आई दिखेगा तो आप आइडो लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या मेंशन करना है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन अगर है तो। उसके बाद आप देखेंगे कि कार्बन में रिंग बन रही है क्या, रिंग आपको साफ दिख जाएगी। कार्बन की चेन सीधी है, कार्बन की श्रृंखला सीधी है या ऐसे बंद हो रही है? अगर कार्बन श्रृंखला बंद हो रही होगी तो फिर, अगर रिंग होगी तो आप साइक्लो वर्ड काम में लेंगे, हिंदी में लिखेंगे साइक्लो। अभी समझ में आ जाएगा, एग्जांपल देखते ही, बस सुनते रहिए। तो आपको अगर रिंग दिख जाए तो क्या काम में लेना है, साइक्लो। फिर आप आएंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला पर कि कितने कार्बन है। मित्रों अगर एक कार्बन हो तो मैथ लिखोगे, दो कार्बन हो तो एथ लिखोगे, मैथ एथ, तीन कार्बन के लिए प्रॉप, मैथ एथ प्रॉप, ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए ऑक्ट, नौ के लिए नॉन और दस के लिए बोले तो डेक। तो ये सीक्वेंस याद करनी है आपको इस लेक्चर के बाद में अच्छे से बैठ के, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। एक कार्बन के लिए मैथ, दो के लिए एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, रटा हुआ होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद आप देखोगे कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। नोटिस करो, एक कार्बन बनाता है फोर बॉन्ड, तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बाकी तीन किसी और से बना रहा होगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो दो बॉन्ड तो हो गए, अब दो किसी और से बना रहा होगा। कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड है तो तीन तो हो गए, अब एक किसी और से बना रहा होगा, इसलिए इस तरह से। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एन लिखोगे, डबल बॉन्ड हो तो इन लिखोगे, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लिखोगे। अभी मैं सिखा दूंगा किस तरह से लिखना है, बट याद रखें 1 डिग्री अनुलग्न में आते हैं आपके क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह वो बड़े बड़े लोग होते हैं जो कार्बन के यौगिकों में आके लगते हैं। एक बात बताओ, आपका जो नाम है, जैसे मेरा नाम था आशीष सिंह पवार, उस नाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो मेरे लिए उस नाम में सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा सरनेम पवार, वो मुझे रिकग्नाइजेशन देता है, मेरा सरनेम सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे हर किसी के नाम में जो नाम के सबसे पीछे आता है सरनेम, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक बात है, बिल्कुल वैसे ही कार्बन के यौगिकों में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो सबसे पीछे आती है यहां पर। तो क्रियात्मक समूह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दिमाग में कभी कंफ्यूजन हो तो अपना नाम देखना और याद करना कि आपके नाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका सरनेम, क्योंकि वही आपकी असली पहचान है। ठीक बात, क्रियात्मक समूह में कभी आपको ये OH नाम की वस्तु दिखे ना, तो ये OH नाम की वस्तु है अल्कोहल। मैं इसकी प्रैक्टिस आपको अलग से कराऊंगा, अभी बस हल्का हल्का हिंट दे रहा हूं। तो OH नाम की वस्तु दिखे तो वो क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल के लिए मित्रों आप लिखोगे ऑल, अल्कोहल के लिए ऑल। आपको कभी ऐसा दिखे, देखो C डबल बॉन्ड OH, CHO, C डबल बॉन्ड OH, तो ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए आप लिखोगे L। आपको कभी ये दिखे C डबल बॉन्ड OOH, फर्क देखो, ये है C डबल बॉन्ड OH, ये है C डबल बॉन्ड OOH, तो आप लिखोगे कार्बोक्सिलिक। COOH के लिए लिखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर ये आपको कहीं दिखे तो आप लिखोगे ओइक अम्ल। टेंशन मत लो, इसकी प्रैक्टिस में बाद में करवाऊंगा अभी आपको, तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के लोग और भी हो सकते हैं, जैसे इसके अंदर और लोग आते हैं, जैसे कीटोन आ सकता है, अमाइड आ सकता है, इनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो बस याद रखें कि ये सूत्र है, ये वो जादुई फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले की हेल्प से आप कार्बन के किसी भी यौगिक का नाम लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को मैं एक बार फिर से आपके सामने पेश करता हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले आपको किसी भी यौगिक दिखेगा तो आप सबसे पहले ढूंढोगे कि उसके अंदर सी एल, बी आर, आई या एफ है क्या।
अगर है तो उसके अकॉर्डिंग नाम लिख दोगे, पहली बात। उसके बाद आप देखोगे कि कोई रिंग बन रही है क्या, अगर रिंग बन रही होगी तो आप साइक्लो लिखोगे। उसके बाद आप जाओगे मुख्य कार्बन श्रृंखला पे और मुख्य कार्बन श्रृंखला में जाकर के देखोगे कि कितने कार्बन है और कार्बन का नाम देख लो आप, एक कार्बन होगा तो मैथ लिखोगे, दो होगा तो एथ लिखोगे, इस तरह से चलेगा। उसके बाद देखोगे कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। उसके बाद बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा, अगर एल्कोहल ये चीज दिख जाए OH तो मतलब एल्कोहल है और लिखोगे, ये दिख जाए तो एल्डिहाइड है, ये दिख जाए तो कार्बोक्सिलिक है, और आगे मैं सिखाऊंगा कीटोन क्या होता है, अमाइड क्या होता है। अब हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं सबसे छोटे मेंबर का नाम लिखना जो कि है CH4। दोस्तों ये फॉर्मूले की प्रैक्टिस इतने अच्छे से करनी है कि एक भी नंबर नहीं कटे आपका, ठीक है। और ये फॉर्मूला सच में जादुई है, जब इस लेक्चर को आप पूरा देख लोगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि आपने एक एक चीज को समझा है और बहुत बारीकी से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब इसका नाम लिखना सिखा रहा हूं मैं आपको। लोग इसका नाम डायरेक्ट हटा देते हैं, मैं आपको इसका नाम लिखना सिखा रहा हूं, तो ध्यान से देखिए ये CH4 है। सबसे पहले इस फॉर्मूले को लगाना सिखाता हूं, CH4 क्या इसके अंदर कोई CLBrIF जैसा दिख रहा है आपको? इसके अंदर CLBrIF जैसा बिल्कुल नहीं है, मतलब 1 डिग्री पूर्व लग्न इसके लिए नहीं लगेगा। जरूरी थोड़ी है कि सब कुछ लगेगा, जैसे मेरे नाम का डॉक्टर नहीं लग सकता क्योंकि मैंने MBBS नहीं की है, तो बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर FCLBrI नहीं है, तो ये चीज भूल जाओ। रिंग बन रही है क्या, क्या ये बंद हो रहा है क्या? तो आंसर इज नो, सिंपल सा कार्बन है, सुंदर सा, देखो CH एकदम गरीब कार्बन है, कुछ नहीं है इसके पास, रिंग है ही नहीं, छोड़ो। आगे आओ, कितने कार्बन दिख रहे हैं, ये कार्बन है दोस्तों, कितने कार्बन दिख रहे हैं? आंसर इज 1। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हो, मैथ लिखते हो, वेरी गुड, तो लिखो मैथ। उसके बाद आओ, क्या सिंगल बॉन्ड है, डबल है कि ट्रिपल है? साफ साफ दिख रहा है यार सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, एन, तो मैथ प्लस एन। क्या कोई बड़े बड़े लोग हैं OH, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बस हो गया काम, इसको अपन कंबाइन करेंगे, संधि आपने पढ़ी होगी, ये हो जाएगा मैथेन। तो जो आज तक आप रटते आए हो वो आज आपने आप समझ लिया कि इसको मैथेन क्यों बोलते हैं, ये इसके नाम लिखने का तरीका है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अब आपको इसका नाम लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले सांस शुरू करेंगे, क्या इसमें FCLBrI है? इसमें FCLBrI ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। आगे बढ़ो, क्या इसमें चेन बन रही है, ऐसे बंद हो रहा है कुछ? इसमें कुछ बंद नहीं हो रहा, एकदम सीधा है, छोड़ो। कितने कार्बन है, तो अगर आप यहां देखोगे तो दोस्तों यहां पर 2 कार्बन है, 1, 2, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो आप, एथ लिखते हो, तो 2 कार्बन के लिए एथ लिख दीजिए बिना किसी टेंशन के, लिख दिया आपने एथ। अब उसके बाद देखो, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हो, एन लिखते हो, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एथ प्लस एन कर दो, संधि करना आपको आती है, एथेन इसका नाम हो गया। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं एथेन, इंग्लिश में इसको मैथ बोलते हैं, इसको एथ बोलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे समझ में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है CLBrI ऐसा कुछ है, नहीं है, रिंग बन रही है, नहीं बन रही, कितने कार्बन, 2 कार्बन, एथ, क्या है सिंगल बॉन्ड है, एन, जोड़ के लिख दो एथेन, हो गया नाम। ये फॉर्मूला बहुत मजेदार है। अब अगला क्वेश्चन देखो, मान लो इसका नाम लिखने के लिए आता है, तो इसके अंदर पहले कार्बन गिनो, मान लीजिए इसका नाम लिखने को आता है, अब इसमें CLBrIF जैसा कुछ है, कुछ नहीं है, छोड़ो। क्या इसमें रिंग बन रही है, इसमें रिंग नहीं बन रही, छोड़ो। क्या इसके अंदर कार्बन गिनो, 1, 2, 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो आप, प्रॉप, तो बिना किसी टेंशन के प्रॉप लिख दो। प्लस में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हो, एन, तो सिंगल बॉन्ड के लिए लिखो एन। भाई साहब कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल है, इन दोनों को जोड़ के लिख दो प्रोपेन, ये हो गया प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। इंग्लिश में भी देख लो, इसको एन बोलते हैं, इसको इन बोलते हैं, इसको आइन बोलते हैं, तो हो गया ये प्रोपेन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको ये करना है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों इसको, क्या इसके अंदर CLBrIF जैसा कुछ है, तो इसके अंदर CLBrIF जैसा कुछ नहीं है, मतलब इसमें अपन ये कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्या इसमें रिंग बन रही है, आंसर इज यस, बंद हो रहा है ना, ये देखो बंद है, CH2 CH2 CH2, ये बंद है,
बंध मतलब क्या हो गया, रिंग, रिंग मतलब क्या हो गया, जुड़ गया आपस में। तो उसके लिए आपको कौन सा शब्द काम में लेना है, साइक्लो काम में लेना है। तो आप क्या लिखेंगे सबसे पहले, साइक्लो। कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, 99% बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखो, इस फॉर्मूले के साथ साथ चलोगे तो सीक्वेंस में कभी गड़बड़ नहीं होगी। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सीएल को आगे लिखें, ओएच को पिछले, के क्या करें। ये फॉर्मूला बस माइंड में फिट करो, इस फॉर्मूले को याद करो, इसकी प्रैक्टिस करो, नामकरण एकदम आसान लगेगा। तो सीएल बीआर आईएफ जैसा कुछ नहीं है, छोड़ो। रिंग बन रही थी, मैंने साइक्लो लिख दिया। कितने कार्बन है रिंग में, 1 2 3, तीन कार्बन का मतलब क्या हुआ, मैथ एथ प्रॉप, तो साइक्लो प्रॉप लिखोगे। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की क्या लिखते हो, एन लिखते हो। मैं डायरेक्ट संधि करके लिख रहा हूं प्रोपेन, ऐसा कुछ है नहीं, बड़े बड़े लोग हैं नहीं, तो मस्त रहो। वापस से, ये था नहीं, रिंग बन रही थी, साइक्लो लिख दिया, तीन कार्बन थे, प्रॉप लिख दिया, सिंगल बॉन्ड था, एन लिख दिया, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल, ये मत सोचना कि इस कार्बन ने एक सिंगल, दूसरा सिंगल, डबल, नहीं, डबल बॉन्ड नहीं है वो, दो बॉन्ड है, डबल मतलब एक साथ डबल होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो ये आपको दिया गया है नाम लिखने के लिए, इसका नाम आपको लिखना है। सबसे पहले देखिए कि क्या इसमें सीएल बीआर आईएफ जैसा कुछ है, आंसर इज नो, नहीं है। क्या इसमें रिंग बन रही है, उसमें रिंग बन रही है क्या, जुड़ रहा है क्या वो, नहीं जुड़ रहा। आगे बढ़ो, कितने कार्बन है, 1 2 3, गिन लो, 1 2 3, तीन कार्बन है, तीन कार्बन के क्या लिखते हो आप, प्रॉप, तो तीन कार्बन के लिए आएगा प्रॉप, ठीक है। डबल बॉन्ड है क्या, सिंगल बॉन्ड है क्या, तो सिंगल बॉन्ड तो है बट साथ में डबल बॉन्ड भी है। अब दोस्तों अगर आपके सामने डबल बॉन्ड भी हो, सिंगल बॉन्ड भी हो, तो आप डबल बॉन्ड को मेंशन कर दो, उसके अलावा कुछ मेंशन मत करना, उसके बाद में बचे हुए सारे बॉन्ड क्या माने जाते हैं, सिंगल माने जाते हैं। अर्थात यहां पर किस कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड है, फर्स्ट कार्बन के बाद में, तो आप लिख दोगे कि प्रॉप, उसके बाद फर्स्ट कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड है, तो फर्स्ट कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं अपन, ईन। तो बस ये इसका नाम हो गया प्रॉप वन ईन, और वन लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप इनको जोड़ करके ऐसे भी लिख सकते हो प्रोपीन। फिर से, सीएल बी आर आई एफ जैसा कुछ नहीं है, रिंग नहीं बन रही थी, तीन कार्बन है प्रॉप। अब अगर मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड भी हो और सिंगल बॉन्ड भी हो, इसमें डबल बॉन्ड भी है सिंगल बॉन्ड भी है, तो केवल डबल बॉन्ड को मेंशन कर दो, सिंगल को मेंशन मत करना। क्यों नहीं करते, क्योंकि यहां लिख दिया मैंने प्रॉप वन इन, मतलब फर्स्ट के बाद में डबल बॉन्ड है, उसके अलावा अपने आप अंडरस्टूड है कि बाकी सारे बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल होंगे। तो कुछ बच्चे ऐसी भी गलती करते हैं कि प्रॉप वन इन फिर टू एन लिखते हैं, ये नहीं करना है। अगर डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो तो केवल डबल को मेंशन कर दो, सिंगल को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। एक और नाम दिखाता हूं मैं आपको इस तरह का, जैसे मान लो ये नाम लिखना है आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये नाम लिखना है। इसमें 1 2 3 4, कौन से कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड है, सेकंड के बाद में, इस बात को याद रखना। अभी अपन सॉल्व करते, क्या इसके अंदर सीएल बी आर आई एफ जैसा कुछ है, आंसर इज नो, इसमें सीएल बी आर आई एफ जैसा कुछ नहीं है। क्या इसमें रिंग बन रही है, इसके अंदर रिंग भी नहीं बन रही है। इसमें कितने कार्बन है, चार कार्बन है, चार कार्बन के लिए क्या लिखते हो, चार कार्बन के लिए आप लिखते हो ब्यूट, तो शान से लिखिए ब्यूट। उसके बाद ये बताओ कि सिंगल बॉन्ड डबल या ट्रिपल में से कौन दिख रहा है, तो आपको डबल भी दिख रहा है और सिंगल भी दिख रहा है, जब दोनों साथ साथ आते हैं तो सिर्फ किसको मेंशन करना है, सिर्फ किसको लिखना है, डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के बाद में है, तो डबल बॉन्ड इस कार्बन के बाद में, तो आप लिखोगे ब्यूट टू, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हो, इन, तो ब्यूट टू इन, इसका मतलब चार कार्बन की चेन बनाओ, सेकंड वाले कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड लगाओ, बाकी हर जगह सिंगल लगा दो, कंपाउंड आपके सामने जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगला एग्जांपल अपन यहां कर लेते हैं, सेवेंथ, ये देखिए, अब इसकी बात करते हैं, क्या इस कंपाउंड में सीएल बी आर आई एफ जैसा कुछ है, आंसर इज बिल्कुल है, ये रहा सीएल। अब अगर आपको सीएल दिख जाए तो आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला को पहले अंकित कर लेना चाहिए, मुख्य कार्बन श्रृंखला जितनी लंबी हो सकती है उतनी लंबी बनाइए। तो यहां पे तीन कार्बन की चेन थी, सिंपल मैंने बना दी,
उसके बाद आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग कैसे करते हैं? नंबरिंग ऐसे करते हैं कि हमारे सीएल भाई साहब को कम से कम नंबर मिले। अगर मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3, आप दोनों तरह से करके देखें, 1 2 3, सीएल को कौन सा नंबर मिल रहा है? पहला नंबर। और अगर मैं इधर से करूं 1 2 3, तो सीएल को कौन सा नंबर मिल रहा है? तीसरा नंबर। कौन सी नंबरिंग सही है जिसमें सीएल को कम नंबर मिल रहा हो? तो मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी ये वाली नंबरिंग उत्तम है, क्योंकि इसमें सीएल को कम नंबर मिल रहा है, तो ये नंबरिंग सही है। देखो, नंबरिंग करना मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके माइंड में होंगे कि सर ओएच आ जाएगा तो क्या करेंगे, ये होगा तो क्या करेंगे, दो सीएल आ जाएंगे तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया तो क्या करेंगे। वो सब प्रैक्टिस से आएगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सब क्लियर होगा। उससे पहले आपको इस फॉर्मूले पे कमांड होनी चाहिए। अभी मैं आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा इस सीरीज में आईयूपीएससी के, तो 100 से ज्यादा क्वेश्चन करने के बाद आप अपने आप सब कुछ कर जाओगे। अभी तो ये 7वां एग्जांपल है। आपको सबसे पहले ये छोटे छोटे एग्जांपल से मैं इस फॉर्मूले पे कमांड करना सिखा रहा हूं। एक बार इस फॉर्मूले पे कमांड हो गए तो फिर आप बड़े बड़े एग्जांपल भी सॉल्व कर सकते हो। छोटी छोटी बातें जो बताता जाऊं बीच में, उनको याद रखते जाना। तो यहाँ क्या बताया मैंने आपको कि आपको लंबी चेन बनानी है, नंबरिंग ऐसे करनी है, नामांकन ऐसे करना है कि सीएल को कम से कम नंबर मिले। मिल गया नंबर कम से कम। अब देखिए, क्या सीएल बीआर ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। कौन है सीएल? है कहां पर? है फर्स्ट कार्बन पे। तो आप लिखोगे 1, सीएल के लिए क्या लिखते हो? क्लोरो। तो सबसे पहले इसका नाम आएगा 1-क्लोरो। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना है। सबसे पहले सीएल बीआर को ढूंढना है। सीएल बीआर दिख गया, खुश हो जाइए, उसका नाम लिखिए क्लोरो। सीएल के लिखते हैं क्लोरो। कौन से नंबर पे है? फर्स्ट पे। तो लिखोगे 1-क्लोरो। उसके बाद देखो रिंग बन रही है क्या? इसके अंदर रिंग नहीं बन रही है। आगे बढ़िए, क्या इसके अंदर कितने कार्बन है? गिनो, 3 कार्बन है। 3 के लिए क्या लिखते हैं अपन? प्रॉप। तो 1-क्लोरो प्रॉप। क्या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है? तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो 1-क्लोरो प्रोपेन, प्रोप प्लस एन, मैंने कर दिया प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया 1-क्लोरो प्रोपेन। ठीक है मित्रों, अब देखो, अब हम इनको रफ कर देते हैं, फिर नए एग्जांपल्स करते हैं। तो अगर आपको कॉपी करना हो तो आप वीडियो को यहीं पर रोक सकते हैं, आराम से कॉपी कर लीजिए एग्जांपल्स, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब आप इसका नाम लिखिए खुद से, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसका नाम खुद से लिखिए और फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले कार्बन देख लीजिए, ये कार्बन की श्रृंखला हो गई। क्या इस कार्बन की श्रृंखला में क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है? तो इस कार्बन की श्रृंखला में 1 डिग्री पूर्व लग्न, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं है। तो मस्त रहिए, आगे आइए। क्या इसके अंदर रिंग बन रही है? आंसर इज नो, इसके अंदर कोई रिंग नहीं बन रही है। इसमें कितने कार्बन है? इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है इसलिए क्या कहलाएगा? ब्यूट। इसमें सिंगल, डबल, ट्रिपल में से कौन है? तो इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनको मेंशन कर दीजिए, सिंगल को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां पर जो आप डबल या ट्रिपल मेंशन करोगे उसके अलावा बचे हुए अपने आप क्या होंगे? सिंगल होंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कौन से कार्बन के बाद में? फर्स्ट कार्बन के बाद में। तो आप लिख दोगे ब्यूट, फर्स्ट के बाद में कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? आयन। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूट 1-आयन। और 1 को लिखना जरूरी नहीं होता, तो आप इसके लिए ब्यूटाइन भी कर सकते हैं, संधि, ब्यूट प्लस आइन, ब्यूटाइन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसको ध्यान से देखिएगा, पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए फिर मैं बताता हूं। अब इस एग्जांपल में ये कार्बन चेन है, कार्बन की चेन, सीएल को चेन में नहीं लेना है, सीएल चेन के बाहर है, ये कार्बन की चेन है। क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसा कुछ है? आंसर इज बिल्कुल है। कौन है? क्लोरीन है। कौन से कार्बन पे? ये रहा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। इसी को फर्स्ट क्यों बोला? क्योंकि सीएल को उस कार्बन से जोड़िए जिस कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो जब नामांकन करोगे तो सीएल को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, इसलिए मैंने जिससे वो जुड़ा हुआ है वहां से वन शुरू किया। कम से कम नंबर मिलना चाहिए ना, तो जहां से जिस पे सीएल जुड़ा हुआ है उसको मैंने वन नाम दिया, सिंपल। तो क्या सीएल बी आई ऐसा कुछ है? आंसर इज बिल्कुल है। कौन है सर? क्लोरीन है। क्लोरीन कौन से कार्बन पे है? फर्स्ट कार्बन के। क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं? क्लोरो लिखते हैं। तो 1 के लिए क्लोरो, 1-क्लोरो। दिल से पढ़ोगे एकदम सिंपल लगेगी ऑर्गेनिक। उसके बाद क्या रिंग बन रही है? आंसर इज यस, बिल्कुल बन रही है। कार्बन 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 जुड़े हुए रिंग की फॉर्म में।
रिंग बनती है तो क्या लिखते हो, साइक्लो लिखते हो, वेरी गुड, तो लिखोगे साइक्लो, जब भी रिंग बनेगी लिखोगे साइक्लो, मत भूलना इस बात को। आगे बढ़े, कितने कार्बन है, एक दो तीन, तीन कार्बन क्या लिखते हो, प्रोप, तो प्रोप आ गया। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंद है, द्विबंध है, त्रिबंध है, तो कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंद है, एकल बंद के लिए क्या लिखते हो आप, एन लिखते हो, संधि करके डायरेक्ट लिख रहा हूं प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया। नेक्स्ट देखो, अब एक लास्ट एग्जांपल करवा देता हूं मैं आपको, जिसमें हम बड़े बड़े लोगों को भी लेंगे। जैसे मान लो CH3, CH2, CH2OH है। अब देखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये बड़े बड़े लोग आ गए हैं, डरना नहीं है बिल्कुल, अपन को अपना इस फॉर्मूले को सीक्वेंस से फॉलो करना है, मस्त रहना है। देखो सबसे पहले कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो, ये रही आपकी कार्बन चेन, नंबरिंग करके रख लो। नंबरिंग कैसे करनी है, नंबरिंग कैसे करनी है, नंबरिंग ऐसे करनी है कि जो आपका क्रियात्मक समूह है OH, उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। यहां से करोगे तो 1 2 3 पे आएगा, इधर से करोगे तो 1 2 3, मतलब ये नंबरिंग ज्यादा सही है क्योंकि यहाँ फर्स्ट पे आ जाएगा, इधर से करूंगा तो थर्ड पे आएगा। ठीक है, ये तो आपने 11th क्लास में भी किया होगा इस तरह का, तो नंबरिंग के बारे में मैं आपको और सिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में, फिलहाल तो OH को कम से कम नंबर देना है। ठीक, अब देखो फॉर्मूला, नंबरिंग करने के बाद दिमाग नहीं चलाना है, फॉर्मूला लगाना है सिंपल। फॉर्मूला क्या है, क्या FClBrI जैसा कुछ है, इसके अंदर FClBrI जैसा कुछ नहीं है। आगे बढ़िए, क्या इसके अंदर रिंग बन रही है, इसके अंदर कोई रिंग नहीं बन रही है। आगे बढ़िए, कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिख दीजिए प्रॉप, कार्बन कार्बन के बीच में ये बंद, पता है किसके बीच में देखना है, कार्बन कार्बन के बीच में, तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंद है, एकल बंद है, एकल बंद के लिए क्या लिखते हो, एन लिखते हो, तो प्रोपेन लिख दोगे शान से, प्रॉप प्लस एन क्या हो गया, प्रोपेन। क्या उसके बाद कोई बड़े बड़े लोग हैं, हाँ उसके बाद बड़े बड़े लोग हैं, कौन है बड़े लोग में, बड़े लोग में है एल्कोहल, एल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं, एल्कोहल कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है, तो प्रोपेन वन ऑल। मैंने आपको सिखाया है कि आपको वन को लिखना जरूरी नहीं होता, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोपेन प्लस ऑल की संधि कर दो, ये हो जाएगा प्रोपे नॉल, तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, प्रोपे नॉल। सिंपल था, फिर देख लो इसके अंदर CLBrIF जैसा कुछ नहीं था, इसके अंदर रिंग नहीं बन रही थी, कार्बन कितने थे, तीन थे, तीन कार्बन के लिए क्या लिखते हो, प्रॉप लिखते हो, लिख दिया। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में क्या था, एकल बंध था, तो क्या लिख दिया अपन ने, एन प्रोपेन। उसके बाद बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े लोग में कौन था, एल्कोहल था, तो वन पे OH, OH के लिए क्या लिखते हैं, ऑल, तो ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल। पूरे YouTube पर आपको हिंदी मीडियम के लेक्चर्स में ये मेथड कहीं नहीं मिलेगा, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब इस मेथड को मास्टर कर लोगे, जब इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है, और कुछ ऐसा सीखा है जो नया है, कुछ ऐसा सीखा है जिससे आप किसी टॉपिक को 100% कवर कर सकते हो। इस फॉर्मूले पे कमांड करनी है, अभी मैंने 10 ही एग्जाम्पल कराए, आने वाले वीडियोज में मैं और आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट इस वीडियो का रिस्पॉन्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया, ये आप जरूर बताएं मुझे। दूसरी बात, इसको अच्छे से माइंड में फिट करें, वापस बता देता हूं, सबसे पहले आपको कार्बन यौगिक का नाम लिखना हो तो देखिए कि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडीन ऐसा कुछ है क्या, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जैसा कुछ है क्या, अगर है तो पहले उसको लिखिए, फिर देखिए कार्बन में चेन बन रही है क्या, चेन बन रही है तो सिर्फ एक शब्द लगाना है साइक्लो, फिर देखना है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, एक कार्बन के लिए मैथ एथ, दो के लिए प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है द्विबंध है त्रिबंध है, उसके हिसाब से एन इन आयन लगेगा। फिर देखिए कि कोई बड़े बड़े लोग हैं क्या, बड़े बड़े लोग जैसे कि एल्कोहल एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक, आगे प्रैक्टिस करेंगे इनकी अपन, तो अगर कोई बड़े बड़े लोग दिखे आपको तो उसके हिसाब से उनका वर्ड फिक्स है, जैसे एल्कोहल के लिए ऑल होता है, एल्डिहाइड के लिए एल होता है, तो वो वर्ड आपको लगाना है और मस्त रहना है। ठीक है, आने वाले वीडियोस में हम लोग और अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य था आपको इस फॉर्मूले से मिलवाना और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट डेवलप करना। अब आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, और अब हम इसी सीक्वेंस में इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस को आने वाले वीडियोज में कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशंस। थैंक यू।